एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल. आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट. सो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ क्लीन अप एट होम. सो क्लीन अप का मतलब है अपने स्किन को क्लीन करना, जैसे कि डेड सेल्स हो जाते हैं स्किन पे, वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स, टैनिंग, सो उन सबको रिमूव करना. फेस्टिव सीजन है, फेस्टिव सीजन पे हमको ग्लो करना है. सो दैट्स व्हाई मैंने सोचा कि आज एक क्लीन अप वीडियो में शेयर कर दूँ, क्योंकि मैं खुद क्लीन अप करने वाली थी अपना. एंड ये जो क्लीन अप है ये मैं वीकली करती हूँ, ऐसा नहीं कि फेस्टिवल्स क्लीन कर रही हूँ, बट ये मेरा वीकली है जो मैं करती ही करती हूँ. प्रोडक्ट्स मेरे थोड़े बहुत चेंज होते रहते हैं, क्योंकि यू नो आई हैव टू ट्राई बहुत सारी चीज़ें, तो इसीलिए. सो आज की वीडियो में वन ब्रांड होने वाला है ये क्लीनअप. गुड वाइब्स के मैंने कुछ न्यूली जो प्रोडक्ट्स लॉन्च उन्होंने मुझे सेंड किए थे वो शेयर करूँगी. तो इनको भी मैंने तीन चार बार ट्राई किया हुआ है. फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो फेस वॉश है इसको मैंने बहुत बार ट्राई किया है, लेवेंडर प्लस ऑर्गेनिक हनी. सो थोड़ी सी ना मेरी इस टाइम पे स्किन ड्राई हो जाती है, जो सितंबर अक्टूबर का मंथ आता है इसमें मेरी स्किन थोड़ी थोड़ी सी पील होने लग जाती है, ना हो रही थी पील. सो आई थॉट ये हनी वाला मेरे फेस के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, एंड लेवेंडर ऑयल भी है इसमें, तो इसलिए से मैं थोड़े दिन से ट्राई कर रही थी एंड मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये फेस वॉश. तो ये है फेस वॉश. देन नेक्स्ट मैंने यूज़ किया है ये फेस लोशन सैफ्रन एंड टर्मरिक वाला. जैसे कि फेस्टिव सीजन है तो हमें सैफ्रन और टर्मरिक यू नो बहुत अच्छा ग्लो देता है स्किन पे, पिगमेंटेशन को काफ़ी कम करता है, तो इसलिए मैंने ये वाला जो लोशन है इसको ट्राई करना स्टार्ट कर दिया है. सैफ्रन प्लस टर्मरिक विद जिंक ऑक्साइड एक्ने कंट्रोल करता है और पिगमेंटेशन को कम करता है. तो ये है फेशियल लोशन. देन ये टोनर भी मैंने यूज़ करना स्टार्ट किया है, ये है पचौली एंड सिडारवुड का. और एंड सीरम जिसको मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ ये है टी ट्री एंड मलबरी का, बहुत अच्छा सीरम है. इसको जब से आई गेस मैंने अप्लाई करना स्टार्ट किया मेरे फेस पे एक छोटा सा भी पिंपल नहीं निकला है, तो मेरे लिए काफ़ी अच्छा रहा है. ये है टी ट्री का, तो एक्ने को काफ़ी कंट्रोल करता है ये. एंड या उसके बाद ये है कुछ स्क्रब्स एंड जेल्स एंड मास्क. सो या आगे मैं आपको वीडियो में इन सब चीज़ों को अप्लाई करके बताऊंगी एंड क्या कैसे क्या कौन सा मुझे कैसा लगता है प्रोडक्ट. सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. जितने प्रोडक्ट्स आज यूज़ करूंगी मैं अपने स्किन केयर में इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. और ये सारी जो प्रोडक्ट्स हैं ये मोस्टली मेरे फेवरेट टाइप ही हैं. सो या नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्लीन अप. सो गाइज पर्पल पे चल रही है द नवरात्रि सेल. 50% तक आपको ऑफ मिल जाएगा मोस्टली प्रोडक्ट्स पे, जैसे कि गुड वाइब्स पे आप देख सकते हो बाय 5 एंड गेट 50% ऑफ है. देन मेकअप के प्रोडक्ट्स पे है, स्किन केयर पे बहुत सारे ब्रांड्स पे है, एल्फ्स गुडनेस पे है बाय 5 गेट 50%, एसक्यू पे है बाय 1 गेट 1 फ्री का, डार्लिंग एसावेला पे है बाय 1 गेट 1 फ्री. सो काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स पे है, डर्म डॉग पे है, व्याम पे है. सो यही है बाय 1 गेट 1 ऑफर, काफ़ी सारे ऑफर्स हैं, तो आप ज़रूर purple.com को चेकआउट कर सकते हो. सो अब हम स्टार्ट करते हैं क्लीन अप के साथ. तो मैंने सबसे पहले अपना मेकअप रिमूव किया है, उसके लिए मैंने यूज़ किया माइसिलियर वाटर. नेक्स्ट मैं यूज़ करूँगी ये फेस वॉश, ये लेवेंडर ऑयल एंड ऑर्गेनिक हनी वाला फेस वॉश है, बहुत ही अच्छा है. ये स्किन इल्यूमिनेटिंग के लिए है एंड रिंकल मिनिमाइज के लिए है, तो अगर आप एजिंग में आ गए हो तो आप इस वाले को ट्राई कर सकते हो. पैराबिन एंड क्रुएल्टी फ्री फेस वॉश है. सो आफ्टर फेस वॉशिंग मैं स्क्रब यूज़ करूँगी, और स्क्रब के लिए मैं यूज़ करूँगी ये ब्राज़ीलियन वॉल्केनिक ग्रीन क्ले स्क्रब. ये जो है ये काफ़ी अच्छा स्क्रब है. जब मैंने स्क्रब अपना रिमूव किया तो मेरी स्किन बहुत ही ज़्यादा क्लीन एंड स्मूथ लग रही थी, बहुत अच्छे से इसने डेड सेल्स को रिमूव कर दिया था. एंड ये जो है नो पैराबिन नो सल्फेट फ्री क्रुएल्टी फ्री प्रोडक्ट है ये. थर्ड जो होगा वो मैं अप्लाई करूँगी जेल. तो मैं हमेशा स्क्रब के बाद हमेशा जेल से मसाज करती हूँ, तो ये टी ट्री का जेल मैंने यूज़ किया है. ये भी नो पैराबिन नो सल्फेट क्रुएल्टी फ्री प्रोडक्ट है और बहुत ज़्यादा सूदिंग इफेक्ट देता है स्किन पे. इसकी जो फ्रेग्रेंस है बहुत ज़्यादा सूदिंग है, जब आप अप्लाई करोगे तो आपको लाइक बहुत अच्छा लगेगा अपने अप्लाई करने के बाद. तो जेल को मैं रिमूव नहीं करूँगी, इसके ऊपर मैं अप्लाई करूँगी ये मास्क. ये है टी ट्री का मॉइस्चर रिच फेस मास्क. ये एवरी स्किन टाइप वालों के लिए है मास्क और स्क्रब्स. ये जितने भी टी ट्री के हैं बहुत अच्छे होते हैं हमारी स्किन के लिए. टी ट्री रोकता है पिंपल को आने से, तो टी ट्री को आप अपने स्किन केयर में बिल्कुल ऐड कर लो, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए. सो कुछ इसी तरीके से पतली सी लेयर अप्लाई करती हूँ मास्क की, ज़्यादा मोटी लेयर अप्लाई नहीं करती हूँ. और ये आई गेस 8 to 10 मिनट्स में बहुत अच्छे से कम्प्लीटली ड्राई हो जाता है. उसके बाद इसको आप वेट वाइप्स से या फिर वेट टावल से क्लीन कर सकते हो. तो मैं वाइप्स को थोड़ा इग्नोर कर रही हूँ, इसलिए मैं वेट टावल यूज़ करती हूँ अपना मास्क वगैरह रिमूव करने के लिए. देन मैंने टोनर अप्लाई किया था, ये था टोनर
पाचौली एंड सेडारवुड का, ये भी है फाइट रिंकल्स सीबम कंट्रोल करता है। सो टोनर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पोर्स को क्लोज करने के लिए, बहुत अच्छे से काम आता है। नेक्स्ट मैंने अप्लाई किया ये टी ट्री प्लस मलबेरी का ऑयल कंट्रोल स्किन ग्लो सीरम, बहुत ही अच्छा सीरम है, बहुत टाइम से मैं ये सीरम यूज़ कर रही हूँ और बहुत अच्छे से स्किन ग्लो करती है इसे अप्लाई करने के बाद, आप देख सकते हो, और स्किन बहुत ज़्यादा स्मूथ एंड सप्पल लगती है, पम्प्ड लगती है बहुत ज़्यादा। लास्ट स्टेप है फेस लोशन का, तो ये मैं गुड वाइब्स प्लस का सैफ्रन प्लस टर्मरिक वाला यूज़ करती हूँ विद जिंक ऑक्साइड है ये, डी पिगमेंटेशन एंड एक्ने कंट्रोल, एक्ने को कंट्रोल करता है और पिगमेंटेशन को भी काफ़ी हद तक कम करने में ये फेस लोशन हेल्प करता है। तो इसे बहुत अच्छे से पूरे फेस एंड नेक पे मसाज कर देती हूँ मैं, एंड आप ग्लो देख सकते हो आफ्टर क्लीन अप का, बहुत ही अच्छा ग्लो आया है। सो आई होप आपको मेरे क्लीन अप अच्छा लगा होगा, ये मैं वीकली कर लेती हूँ, फॉर एग्जाम्पल स्क्रब्स अप्लाई कर लेती हूँ। सो अगर आपको ये क्लीन अप अच्छा लगा है देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, और जितने प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किए हैं सबके सब मुझे काफ़ी पसंद आए, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। एंड या थैंक यू, बाय।